भागो भैया भागो, बारह बंकर जबल के पीर बटावर डीआई जी साहब आ गए। बकायदा भाई साहब तुरंत सल्यूट मारो, हैरान मत होइए। मामला उत्तर प्रदेश के बारह बंकी जबल के पीर बटावर का। बकायदा भाई साहब किसान यूनियन के नेताओं द्वारा झंडा रोहण किया जाता कैंप कार्यालय पर, का बताऊं तो देखते रह गए। ताजा ही पहुंच गए और सब किसान नेता सुहेब रही मामले की जानकारी देने लगे। वैसे भाई साहब ये छोटे डीआई जी साहब बने हुए हैं, अब पुलिस यूनिफॉर्म में थे। हमने पूछा कि भैया आपका नाम क्या है, तो नाम बताने लगे। उसके बाद हमने पूछा कि क्या बने हो आप, तो बताने लगे कि डीआई जी। हमने कहा बाप, ना एस पी बने, ना दरोगा बने, ना सिपाही बने, ना सीओ बने, सीधे भाई साहब बन गए डीआईजी। सुनिए क्या बोले हैं भाई, कहना क्या चाहेंगे। मैं नव भारतीय किसान संगठन जनपद बाराबंकी का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनीस फतेहपुरी साहब की देखरेख में ये अगुवाई में कार्यक्रम किया गया, हमारे मतलब युवा जिला अध्यक्ष आफ्ताब अंसारी साहब के। हम ये कहना चाहते हैं, ये स्वतंत्रता दिवस, ये 75वां स्वतंत्रता दिवस, ये हमको सौगात में मिला है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसमें योगदान किया है और उनके मतलब जो है पूरा उनका यो रहा। हमको तो ये केवल सौगात में मिला 75वां स्वतंत्रता दिवस। और हम अपने प्रधानमंत्री भारत सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके जो भी मतलब कृषि कानून जो है उनको मतलब जो है बिल वापस किया जाए और उनकी मांगे पूरी करके उनको मतलब जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये अपना मतलब आज के दिन कहना चाहेंगे। अब इन्हीं के बगल भाई साहब ताजवा खड़े थे, हमने कहा कि कुछ बोलेंगे तो बोला भाई साहब ऐसा की काम था, फट जाओगे, हैरान हो जाओगे, किसानों के समर्थन में बोले, हमारा तो कलेजा पर भी छू गया। सुनिए जरा, आज दिल्ली के अंदर वाल्मीकि मंदिर के अंदर हमारे टिकैत साहब ने झंडा रोहण किया, उसी की तुलना में आज गौसिया मस्जिद के सामने एकता का प्रतीक देने के लिए जय जवान जय किसान। मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा, 6 महीने से हमारे किसान बैठे हुए हैं, सारे देश का एक एक किसान एक है। आज़ादी के मौके पर उनकी बात मान के इन तीनों काले कानून को वापस लेकर इन किसानों का मनोबल बढ़ाएं। मैं बधाई के पात्र पूरी किसान यूनियन और पूरी टीम बधाई के पात्र, खास करके हमारे सोएब ब्राइन साहब, अफ्ताब साहब और महाराज जी, पूरी टीम इनकी जो हमेशा हर पल पर रहती है। आज देखिए गांव गांव जंगल पानी में जहां बाढ़ है वहां भी तिरंगा लहरा रहा है। इस मौके भारत के प्रधानमंत्री से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, किसानों की बात मान लें, किसानों की बात मानने में भारत का हित है। अब तो भाई साहब देश के प्रधानमंत्री ही जाने कि कानून लेंगे कि नहीं लेंगे, पर भाई साहब हम आपको मिलाते हैं छोटे डीआईजी साहब से। क्या बताएं, बाराबंकी जब ना ऐसे डीआईजी साहब मिलकर कि काम तो खिलखिलाते रह गए। क्या नाम है आपका? मैं सैफ रहीन बाराबंकी से। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप क्या बने? डीआईजी। डीआईजी बने। बकायदा भाई साहब आपकी मुलाकात नन्हे मुन्ने डीआईजी साहब से हो गई हो, तो आपको बकायदा सलाहकार साहब से मुलाकात कराते हैं। जी हाँ, हैरान मत होइए। सुनिए जरा, हमारे ताज भाई ने बताया कि इस जगह पर ये पहली बार हुआ है। अब ये पहली बार नहीं होगा, जब तक कि हम लोग जीवित रहेंगे नव भारतीय किसान संगठन यहाँ झंडा रोहण करता रहेगा और हर वर्ष होगा। जय भारत, जय जवान, जय किसान। अब भैया बकायदा बाराबंकी जबल के पलरी गांव में हमारी मुलाकात नैतिक जी से हो गई। हमने कहा भाई साहब इतने सारे युवा लोग को कहां लिए झंडा रोहण कर रहे, तो सुनिए क्या बोले। बहुत भाई साहब खिलखिला बोल रहे थे कि आज तो भाई साहब आजादी का अवसर है, क्या बताएं। आज हम सभी लोगों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये हमारा नाम नित्यानंद है और हमारी पलरी में नैतिक कंप्यूटर साहब के नाम से एक छोटी सी दुकान है और हम लोग ग्रीन साथी टीम नाम का एक हरियाली गैंग भी चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पर्यावरण जागरूकता और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना और अपने समाज का ध्यान रखें, अपने चारों तरफ हरियाली फैलाएं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा मुश्किलें ना झेलनी पड़ें। क्या बता बता, पूरे देश भर में धूमधाम के साथ भाई साहब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। फिलहाल भाई साहब हमारी तरफ से भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।